हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। आज हम वेस्ट मटेरियल के साथ यहाँ पर काम करने वाले हैं। जैसा कि मुझे आपने कमेंट बॉक्स में कई लोगों का मैसेज आए हुए थे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को वेस्ट मटेरियल के साथ सिखाऊं, क्योंकि मैं ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कैनवास का यूज़ करती हूँ, MDF बोर्ड का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की कहने पर वेस्ट मटेरियल के साथ मैं आपके लिए काम लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 13.5 इंच का राउंड लिया है। तो यहाँ पर ये सुंदर क्लॉक बनेगी। आप यहाँ पर क्लॉक की जगह यहाँ पर मिरर भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर ये मैंने 2 राउंड कट किए हैं, एक थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा, ताकि हम यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर वॉच लगानी है तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा और छोटा बोर्ड यहाँ पर लेना होगा। तो फेविकोल के साथ यहाँ पर दोनों बोर्ड को एक साथ पेस्ट कर देंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं मार्बल डस्ट क्ले का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी होममेड क्ले का यूज़ कर सकते हैं, पेपर मैशी क्ले का यूज़ कर सकते हैं, और पेपर मैशी क्ले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मार्बल डस्ट क्ले का भी, तो वो आप देखकर क्ले तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्बल डस्ट क्ले के साथ ये वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बोर्ड जैसे कि मौसम के साथ थोड़ा ख़राब हो जाता है, जैसे बारिश का मौसम आएगा, क्योंकि आप कुछ बनाओगे तो वो थोड़ा टाइम तक चलना चाहिए कार्डबोर्ड के साथ आप जब काम करते हैं। तो उसके लिए उसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्ले का वर्क यहाँ पर करूँगी, ताकि मेरा जो बोर्ड है वो यहाँ पर मजबूत हो जाए और वो जल्दी ख़राब ना हो। तो मैं ये जो एजेस हैं ये मार्बल डस्ट क्ले के साथ यहाँ फिल कर रही हूँ, और पतली पतली सी लेयर पूरे बोर्ड के ऊपर यहाँ पर लगाकर सुखाने के लिए छोड़ देंगे। ये जो आप यहाँ पर कलर देख रहे हैं 6 कलर्स, मैं इन्हीं के साथ यहाँ पर कलर शेडिंग करूँगी। जब भी हम शेडिंग का वर्क करते हैं तो हम हमेशा कोशिश करिए कि लाइट टू डार्क की तरफ चलें, ना कि डार्क से लाइट की तरफ। उसमें आपको फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है जब आप लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं समझने के, तो वो क्लियर हो जाते हैं, तो आप भी अच्छा पीस बना पाएंगे। तो ये इन्हीं कलर के साथ मैं यहाँ पर इसको शेडिंग के साथ कंप्लीट करूँगी, और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि डार्क कलर ही हो, क्योंकि मुझे इसके ऊपर और भी खूबसूरत काम करना है। तो लेयर बाय लेयर एक कलर करेंगे, उसके बाद दूसरा। तो फिर इन्हीं को जैसे रखे हुए हैं मैंने, उसी तरह से इनको करते जाऊँगी लाइट टू डार्क की तरफ।
अब यहाँ पर मैं मिरर वर्क कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने अभी जो लिपन सिखाया वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ मुझे यूट्यूब पर भी और काम करना चाहिए, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वर्क लेकर आना चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों को कमेंट पढ़कर। तो इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा। तो ये यहाँ पर मिरर किसी भी शेप की आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें आप देखिए मैं कई तरह के मिरर यूज़ कर रही हूँ, कोई भी शेप आपके पास हो तो वही आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सारे राउंड पेंसिल से यहाँ पर ड्रॉ कर लिए कि कहाँ पर मुझे किस तरह के मिरर्स लगाने हैं और ये जो पेंसिल से राउंड बनाए हैं उनके पास। देखिए मिरर वर्क हो गया, ये होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, और अभी तो इसमें हमारा बहुत सारा काम बाकी है, एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कॉन और इसमें 3D आउटलाइनर डालेंगे, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर का 3D आउटलाइनर यूज़ किया है। तो यहाँ पर अब हम पूरा वर्क करने के बाद ये वॉच को कर देंगे सेट। तो ये लगाई मैंने यहाँ पर वॉच, और आप लोग अब बताइए कि किस तरह का ये आपको क्राफ्ट लगा। काफ़ी मेहनत लगती है, डिज़ाइन भी कई बार ऐसे हम लेते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हम किस तरह का बनाएंगे। मैंने सिर्फ कार्डबोर्ड उठाया और बनाना शुरू कर दिया, तो डिज़ाइन अपने आप बनते चले जाते हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी है कि किस तरह से हमने काम करना है, और लास्ट में इसके ऊपर कर देंगे वार्निश। अगर आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं वेस्ट कार्डबोर्ड के साथ और भी चीज़ें लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़िएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग में वीडियो बनाना चाहती हूँ जो चीज़ें आप लोगों को पसंद हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसी तरह चैनल पर बने रहिए, और मेरा काम आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरा मन करता है कि और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे।
थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक आने के लिए एंड बाय बाय टेक केयर।